बिहार में 10वीं पास कर चुके बच्चों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब बिहार के मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में मौजूद वैसे परिवार जिनकी गिनती वंचित परिवारों में की जाती है, उनके 10वीं पास मेधावी बच्चों को इंटर की पढ़ाई के लिए सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही अगर उन बच्चों का एजुकेशनल परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो उन्हें आगे की उस शिक्षा के लिए 10,000 से 60,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इस साल पहली बार सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन की ओर से संचालित विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 को बिहार में लागू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के द्वारा सभी डीओ को पत्र भेजकर यह आदेश दिया गया है कि वे उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के माध्यम से पात्र छात्र छात्राओं का आवेदन करवाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कॉलरशिप को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। अब तक सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन की ओर से संचालित विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लाभ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली व लद्दाख के छात्रों को ही दिया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2022 में इसे बिहार राज्य में भी लागू कर दिया गया है। सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन की ओर से सभी छात्रों को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं विद्याधन स्कॉलरशिप को 1999 से संचालित किया गया है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 60,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही वैसे छात्र जिन्हें चयनित किया जाता है उन्हें इंटरमीडिएट तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन अच्छा रहता है और वे आगे की उच्च शिक्षा को ग्रहण करने में रुचि रखते हैं तो उन्हें उनके कोर्स के अनुसार 10 से 60,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वे उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकें। इस स्कॉलरशिप के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने 2022 में हाई स्कूल पास की हो। इसके साथ ही उन छात्रों के कम से कम अंक 75% या 7.5 CGPA होने चाहिए। वहीं वैसे बच्चे जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उनके लिए 65% या 6.5 CGPA अंक निर्धारित किया गया है। इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए दौरान अभ्यर्थियों को अपने फोटो के साथ 10वीं की मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। बता दें कि इस स्कॉलरशिप के लिए वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए सालाना से कम होगी। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। वहीं अभ्यर्थी इसके आवेदन लिंक www.vidyadhan.org पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।